के डोर पे करता है कोई नॉक 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 ओ लव यू बेबी नॉक नॉक। आजो विकी, ये घर है। वाह यार, अबे चश्मे तो उतार लो भाई। विकी हाँ, घर तो बड़ा वीआईपी सेट किया हुआ है। आंटी पार्टी लग रही है? पार्टी तो है मगर लीचड़ भी, और सोने पे सुहागा अकेली है इसलिए अभी तक मिस हैं। हाँ 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 बताया था तुमने। देखो यहाँ पे हर चीज की तारीफ करनी है। क्यों भाई? किसी चीज को छूना नहीं है, मतलब इनके घर की हर चीज की तारीफ करनी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हैं दोनों लड़के? जी जी मैम। क्या नाम है तुम्हारे? ये शहजाद है और ये वकास। कहाँ से आए हो तुम लोग? इस्लामाबाद से। ये दोनों गूंगे हैं क्या? नहीं 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 मैम, हम बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, हम इस्लामाबाद से आए हैं। ये बात पता चल चुकी है, अब अगली बात का जवाब दो। क्या करने आए हो यहाँ? अभी इंटर किया है और यूनिवर्सिटी के लिए इधर आए हैं। क्यों, वहाँ एडमिशन क्यों नहीं लिया? फेलियर हो क्या? नहीं नहीं मैम, कराची में रहने को मूड था और यहाँ ऑप्शंस भी ज्यादा है। कोई बुरी आदत? नहीं मैम, बस रिक्शे में सो जाते हैं। क्या, रिक्शे वाले के साथ? नहीं, वो बस आज ही सो गए थे रस्ते में। अच्छा, और लड़कियाँ? मौका मिलने पे सोचा जा सकता है। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं मैम, इसका मतलब है कि कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई नशा, सिगरेट, पान, गुटखा या कोई ऊपर की चीज? गुटखा कभी नहीं। तौबा 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 तौबा। रात को देर से घर तो नहीं आते? 10 बजे के बाद घर का दरवाजा नहीं खुलेगा। नहीं मैम, हम लोग 9 बजे सो जाते हैं। अबे यार तुम कराची में फेल हो। अच्छा, कमरे का किराया 10,000 है और पानी कम इस्तेमाल करोगे। अगर 20,000 दोगे तो 2 वक्त का खाना और 3 टाइम की चाय भी मिल सकती है। कोई चीज टूटी या खराब हुई तो तुम लोग ठीक कराओगे। हाँ मैम, 20,000 डन। चलो भाई चलो। ये है तुम दोनों का कमरा। अच्छा, ये सब भी कमरे? हाँ, ये मेरा बेडरूम है और यहाँ आना सख्ती से मना है। क्यों, वहाँ क्या होता है? जी बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब? और ये दोनों? ये दोनों कमरे और लोगों के हैं और यहाँ जाना भी मना है। अच्छा मैम, एक बात बताएं, हम अपने कमरे के अलावा और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? इसको हिलाना बंद करो और यहाँ प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है, वरना आउट। अपने कमरे के अलावा तुम लोग कहीं और नहीं जा सकते, समझे? नहीं नहीं नहीं, हम अपने कमरे के बाहर निकलेंगे नहीं, शादीशुदा जोड़ों की तरह। सही, जब तक तुम दोनों पर पूरा भरोसा ना हो जाए तुम्हारा खाना पीना कमरे में आएगा। आप लाएंगी? नहीं, इस घर की मेड सोनिया लायक रहेगी। मासी का नाम सोनिया? हमारे वहां तो शादा होता है। फजूल बातें बंद करो, सोनिया घर की सफाई भी करती है और जब वो तुम लोगों के रूम में आया करे तो तुम दोनों कमरे से बाहर आ जाया करो। हाँ हाँ, हम बाहर ही जाएंगे। और ख्याल रखना मैट्रेस पर ज्यादा वजन मत पड़े। हाँ ठीक है मैम, हम मैट्रेस से ना 3 इंच ऊपर सोया करेंगे। गुड, और महीने में 1 साबुन रखा जाएगा बाथरूम में और साबुन से सिर्फ नहाना और मुंह धोना है। सुन लिया, खबरदार जो तुमने साबुन खाया। और सुनो, घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना मना है। क्या है नागन, ये सारी इंस्ट्रक्शंस अगर लिखी भी मिल जाती तो हमें भी आसानी होती और आपको भी। बहुत अच्छा आइडिया है, हो गया अब चलो अपने कमरे में। यार विकी, ये रूम तो तेरे रूम से भी ज्यादा प्यारा है। ठीक है यार, लेकिन इतना लग्जरी नहीं है। हाँ अगर यहाँ मेरी तस्वीर लग जाए ना फिर बन जाएगा। तेरी तस्वीर लगा के सारा रूम का शो खराब कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एसी तो है यार। वो बता तेरा भाई हॉट है, गर्मी बहुत लगती है। यार विकू, हाँ ये एजेंट के बच्चे ने कहाँ फंसा दिया? हाँ यार, इतनी सख्तियां तो जेल में भी नहीं होती होंगी।
यार मतलब साबुन समझ गई थी तो ये देखते ही। बकवास बंद कर शेजी। यार छींकने और खांसने का तो बताया ही नहीं आंटी ने। यार बताया तो पादने का भी नहीं। अरे है यार, वैसे उस पर तो हमारा पूरा इख्तियार होता है। यार विकी, उम्रा बड़ा वीआईपी है। हाँ है तो अच्छा। अच्छा सुन, घर का तो मसला हल हो गया, अब यूनिवर्सिटी कब चलना है? यार सुबह चलेंगे यार, अभी बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी की ऑफिस टाइमिंग तो खत्म हो गई है। भाई असल काम तो फीस के पे ऑर्डर्स बनवाने हैं। वो तो तू ही बनवाएगा। हाँ बनवाऊंगा तो मैं ही, लेकिन जाना तो दोनों को पड़ेगा ना। हाँ चल लेंगे, फीस तू दे रहा है, घर का रेंट भी तू देगा। मजे है अमीर दोस्त रखने के। और वैसे भी जो तेरा है ना वो मेरा ही है, और जो मेरा है वो भी तो तेरा है। पहले तू नहाएगा या मैं नहाऊं? अबे तू नहा ले, मैं तो साबुन खत्म करके निकलूंगा। क्या कह रहा है ये? ओ हेलो, सफाई पसंद है तेरा भाई। ठीक है चल मैं जाता। सोनिया, सोनिया। जी बाजी जी, मैं यहाँ हूँ। ये तो काम से हटाओ, और कितनी बार कहा है कि मैं यहाँ हूँ मत बोला करो, जहाँ हो वहाँ बताया करो। बाजी किचन से आवाज आ रही थी तो किचन में ही होंगी ना। अब मैं तुम्हारी आवाज का पीछा करूंगी। अच्छा सॉरी जी, बोलिए। अच्छा मैंने ऊपर वाला खाली कमरा दो लड़कों को दे दिया है। क्या दो लड़के? तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो? अच्छा दो लड़के। बिला वजह उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं। क्यों बाजी, जवान है क्या? जवान है तो मैंने लड़के कहा है, और वो दो टाइम खाना भी खाएंगे और तीन टाइम चाय भी पियेंगे, सुबह दोपहर शाम। मतलब लगता है आपने 20,000 वाला पैकेज ढूंढ लिया है। अच्छा शाम के लिए क्या बनाया? आलू चिकन का सालन। ठीक है। अच्छा सुनो, रोटियां थोड़ी पतली रखना और छोटी रखना, और उन्हें दो ही रोटियां देना। अरे बाजी खाने में तो ऐसी बात नहीं करते। 5,000 में पूरा करना है, और बाद में भी 5,000 बचने चाहिए, समझी? जी समझ गए। हेलो पापा, मैं और शहजाद पहुंच गए हैं, और हमें कमरा भी बहुत अच्छा मिल गया है। बस इंशाल्लाह कल यूनिवर्सिटी में हमारा पहला दिन है, और मैं पे ऑर्डर भी जमा करवा दूंगा। अम्मी को लाजमी सलाम देना, और इंशाल्लाह मैं रात को लाजमी कॉल करूंगा। कौन आई है, किससे बात कर रहा है? पापा का मैसेज था यार। ओ मैं समझा सोनिया मासी आई होगी। बकवास बंद कर, चुपचाप नहा ले। अच्छा सुन यार, चाय की कोई जुगाड़ कर ले, तीन टाइम की बात हुई थी। हाँ बात तो हुई थी, और सुबह से ना मुझे तलब ही बहुत हो रही है। तू जाकर नहा, मैं ना जुगाड़ लगाता हूँ कोई। और तेरी मेहरबानी, प्लीज जाके नहा ले, हर वक्त नंगा घूमता रहता है। तेरा बस चले ना पूरे शहर में नंगा घूमे। अच्छा अच्छा जा रहा। सोनिया, ओह तो ये है किचन, और ये है चोर। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं। चोर हो तुम? नहीं मैं चोर नहीं हूँ, कहाँ है चोर? तुम चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ चाय के लिए आया था। ये चाय का होटल नजर आ रहा है तुम्हें? कौन हो तुम, कौन हो? मेरा नाम वकास है, और प्यार से सब मुझे विकी कहते हैं। विकी नाम तो सुना ही होगा। कौन विकी? नाम नहीं पूछा, हो कौन तुम? मेरा बाद में पूछना, पहले तुम बताओ, तुम सोनिया हो क्या? What? मैं तुम्हें सोनिया नजर आ रही हूँ। क्यों, सोनिया दिखने के लिए क्या कुछ अलग होना पड़ता है? सोनिया हमारे घर की मेड है, और मैं सारा हूँ। ओ तो तुम कोमल मैम के रिश्तेदार होगी, जो फ्री का खाना खाने के लिए ना घर में टपक पड़ते हैं, और बाद में कहते हैं मैं तो यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिलती चलूं। Shut up. अरे अरे क्या हो रहा है? अब ये कौन है? ये है सोनिया। ओ सोनिया प्लीज दो कप चाय ला दो। ओए फ्री फंड में चाय चाहिए क्या तुम्हें? ओ हेलो, फ्री फंड में कैसे, 10,000 में तय हुई है बात। 10,000 की चाय? ये क्या धंधा शुरू कर दिया तुमने? बात सुनो, मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। तुम हो कौन, और यहाँ किस खाते में घूम रहे हो? सोनिया मैंने यहाँ कमरा ना किराए पे लिया है, मेरा नाम विक्की है। क्या मैम ने ये कमरा बैचलर को दे दिया है? जी यहाँ एक नहीं दो हैं, मेरा दोस्त भी साथ आया है शेजी। अरे याद आया, वो बाजी ने मुझे बताया था कि यहाँ दो नौजवान खूबसूरत लड़के भी रहने आए। मैम ने ऐसा बोला था? ओ हेलो मिस्टर, लड़के बोला होगा।
बाकी ये सब इम्प्रोवाइज कर रही है। अच्छा सोनिया मुझे ये बताओ ये कड़वी है कौन? ओ हेलो, कड़वे हो गए तुम, तुम्हारा सारा खानदान और तुम्हारा दोस्त होगा कड़वा। अरे अरे बस करो तुम दोनों, आते ही दिमाग खराब कर दिया। ओ जाओ जाओ, खुद होगी पागल, बाहर से दिमाग खराब करवा के आई होगी। आपको फूल जवाब देते हैं क्या? अगर इन्हें सवाल समझ आ जाए तो जवाब भी दे देते हैं। मतलब मुझे इनकी जबान नहीं आती है, तभी मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। कोशिश करते रहिए जनाब, कभी ना कभी जवाब भी मिल ही जाएगा। वैसे आपकी तारीफ? तारीफ? भाई तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। इतनी हसीन मिट्टी जाने कहां से लाया। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस होना चाहिए मोहतरमा, वरना लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाय द वे आई एम शेजी। अच्छा, और असल में क्या नाम है आपका? वाह वाह वाह, आप भी कुछ कम नहीं है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय द वे आई एम अर्सला। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी, बल्कि बहुत ज्यादा खुशी भी। आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? मैं यहाँ पर पेइंग गेस्ट हूँ। मगर मेरे दोस्त ने तो कहा था आप बहुत ज्यादा बदतमीज हैं। हैं? ये किसने कहा आपसे? मेरे शरीफ दोस्त विकी ने। अच्छा, मतलब आप पेइंग गेस्ट हैं नए वाले। बाय द वे आपके दोस्त विकी की मुलाकात मुझसे नहीं, मेरी रूममेट सारा से हुई थी। ओह, कुछ गड़बड़ हुई है दोनों के बीच। चले हो जाता है, आइए मेरे साथ बैठे, मैं आपको फूलों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आइए, वो जो लाल फूल है ना। शेजी आ जाए, खाना लग रहा है। अरे वाह, बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई इस दूसरे बंदर से। हाँ यार, अच्छा बंदर है, काफी फनी और डिसेंट भी है। वैसे यू आर लकी, मुझे तो सड़ी और थकल वाला ही मिला। कुछ कहा क्या? हेलो, क्या आप विक्की हैं? हाँ जी, और यकीनन आप अर्सला हैं? जी। वाह भाई, पहले दिन इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए। जी, आप भी कुछ सीख लें, जिंदगी में कुछ काम आएगा। मुझे मालूम है। अरे भाई, कोई हमें भी तो बताए क्या पका है। खुद आकर देख लो, फिलहाल तो यहाँ बातें ही पक रही हैं। भाई किचन से तो लाजवाब खुशबू आ रही थी। मैं जब खाना पकाती हूँ तो खुशबू ही आती है। सोनिया जाओ पानी लेकर आओ। हेलो सारा। हेलो। मैम नहीं आई खाने पर? वो बाद में खाना खाती हैं। बाद में अकेली? ये सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? हाँ यार, ये सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? मैम तो बहुत सख्त है, उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई नशा नहीं करेगा, कोई सिगरेट नहीं पिएगा, कोई शॉर्ट्स नहीं पहनेगा, कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अभी नए आए हो ना, सब पता चल जाए। सिगरेट? हेलो कमाल भाई, कहाँ गए थे आप? कुछ नहीं यार, एक ऑफिस से आकर थक गया था तो सो गया। आज वो सेल्स की मीटिंग थी ना। अब तुम दोनों की तारीफ? मेरा नाम वकास है, लेकिन आप मुझे विकी कह सकते हैं। और मैं शहजाद उर्फ शेजी। नाइस टू मीट यू विकी एंड शेजी। ये दोनों नए टैलेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, वो वीरान कमरा आबाद हो गया। भाई भाई लोग ध्यान से, बहुत दिनों से कमरा खाली है, भूत भूत ना आ गए हो। अब तक ना वो डर कर भाग गए होंगे। और अगर भागे नहीं होंगे तो अब भाग जाएंगे, क्योंकि अपना विकी बड़ी इंटरनेशनल हालत में सोता है। शट अप। वैसे आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। अरे भाई, मैं भी आप लोगों के साथ एक दूसरा टेनेंट हूँ, एक पेट्रोलियम कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। और अब आप लोग अपने बारे में कुछ बताओ। मैं और शेजी, I mean शहजाद, इस्लामाबाद से आए हैं ग्रेजुएशन करने के लिए।
जी, और हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इनफैक्ट हमारे फादर्स भी बचपन के दोस्त हैं। ओ, मतलब दोस्ती नसल दर नसल चली आ रही है। जी बिल्कुल। अब फीमेल्स भी अपने बारे में कुछ बताएं। मैं फैशन डिजाइनिंग में बैचलर्स कर रही हूँ और मैं लाहौर से। मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ, मुल्तान की रहने वाली हूँ और अपने यहाँ पर किस्मत आजमाने आई हूँ। वेरी गुड। और कमाल भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे भाई, मैं तो कराची से। मेरी फैमिली बाहर रहती है और मैं यहाँ। अरे मैम अभी तक नहीं आए खाने को। शेजी मैम हमारे बात खाती है खाना। अकेले? अभी अभी आए, इतना दिमाग मत चला। क्या डांस कर रही है। यार ये क्या तू हर वक्त नंगी पुंगी लड़कियों की डांस वीडियोस देखता रहता है? अबे नंगी नहीं है, देख कपड़े पहने हुए देख। ये कपड़े पहने हुए? ये इतने इतने से कपड़े हैं। चल तू नहीं देख। Come on, grow up यार शेजी। ये जो चीजें तू देख रहा है ना, इसे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। बच्ची। अबे मेरे लाल, जिसे तू फ्रस्ट्रेशन कह रहे है ना, उसे एंजॉयमेंट कहते हैं, एंजॉयमेंट। मुझे माफ कर यार, एक तू और तेरे अजीब से लॉजिक्स। अबे मेरी छोड़, अपनी लॉजिक्स देखी है तूने? अपनी गर्लफ्रेंड को 3 महीने पहले बैंकॉक लेकर गया था। और क्या, तुझे लेके जाता मैं। ओ भाई, फूड स्ट्रीट पर गया था, खाना घर से लेकर गया था, मूतिये। देखा था ना, वापस आते ही उसने तेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। हाँ यार, वैसे मैं यही सोच रहा था कि उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। क्योंकि उसका काम निकल गया ना, फ्री का ट्रिप मिल गया और वापस आते ही तेरे अब्बा को भी पता चल गया। लेकिन मैंने यार उसका नाम किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ यही कहा था कि गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। बेटा तेरी जो क्लास हुई थी ना, उससे उसको अंदाजा हो गया था कि ये उसका लास्ट ट्रिप है, इसीलिए वो किसी और जुगाड़ में निकल गई होगी। यार कितना कुत्ता दिमाग है ना तेरा। आदाब आदाब आदाब। अच्छा सुन, जाना अपनी उस सोनिया को बोल दे एक कप चाय बना दे। डिनर के बाद जब तक चाय ना पीऊं मेरा दिमाग ही नहीं चलता। सोनिया, अबे चल हट यार, एक तो रात होती तेरा दिमाग पेट के नीचे उतर आता है। मन मन के कुशन पे। सोनिया सोनिया सोनिया, आपसे फिर मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, फूलों ने अब तक जवाब नहीं दिया? अरे नहीं नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इनसे बात करने की। क्यों भाई? यार अगर वाकई में जवाब दे दिया तो मैं डर के मारे बेहोश ना हो जाऊं। अच्छा तुम दोनों के एडमिशन्स हो गए? हाँ, आज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। ओह, फर्स्ट डे, फर्स्ट फ्लोर। एग्जैक्टली। चलो बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। तुम बताओ क्या चल रहा है? यार एक एजेंसी है, उसमें बात तो हुई है इंटर्नशिप की, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना, बगैर गिव एंड टेक के कोई काम नहीं होता। क्या मतलब गिव एंड टेक? अब इतने नन्हे मत बनो। वो वाला बहुत घटिया हरकत है। हमें ही देख लो, हम किसी लड़की को बुरी नजर से देखते तक नहीं है। और ये लोग? हाँ ना, मगर हर जगह अच्छे और बुरे लोग तो होते ही हैं। लेट्स होप तुम्हें अच्छे लोग मिल जाए मेरी तरह के। अच्छा एक बात तो बताओ। पूछो। ये कमाल के साथ क्या चक्कर है? क्या मतलब, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है किसी के साथ। अरे नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कमाल और कोमल, कोमल मैम की बात कर रहा हूँ। यार ये बात तो हमारी भी समझ से बाहर है, कोमल मैम कमाल भाई को पसंद करती है। मतलब दोनों के बीच अफेयर है? हाँ, कमाल भाई कोई टैलेंट नहीं है, फ्री में रहते हैं, मैम की गाड़ी भी इस्तेमाल करते हैं और उन पे कोई कानून लागू नहीं है। वो जो चाहे करे, और मैम कमाल भाई के सामने बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट और रोमांटिक हो जाती है, जैसे आग से पानी, पानी से बर्फ। बस बस समझ गया मैं। मगर
इन दोनों का एज डिफरेंस काफी नहीं है? सो व्हाट, वो तो तुमने सुना ही होगा, प्यार करने वालों के लिए एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ हाँ शाहरुख जी, कहीं ऐसा तो नहीं है? कमाल फायदा उठा रहा हूँ कोमल मैम से। हाँ हो सकता है, मगर हमें क्या। हाँ हाँ सही बात है। तानू की गुड मॉर्निंग। ओ भाई आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, पहले दिन ही लेट एंट्री मारनी है। ओ भाई मैं तेरा ही वेट कर रहा हूँ कब से, कहाँ था तू? इधर ही था यार। ओके गाइस गुड लक। थैंक यू। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो अलार्म बंद करके सो गई थी। झूठ, अलार्म भी मैंने ही बंद करा था, तुम तो इतनी नेस्ती हो कि अलार्म से कहाँ उठती हो। यार अर्सला कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। तुम तो इतनी सुस्त लड़की हो कि तुम्हें शॉपिंग का चलने का बोलो तो तुम्हारे सर में दर्द होता है, मूवी पे चलने का बोलो तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, और कहीं बाहर। बस 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 इससे आगे कुछ मत कहना प्लीज। अच्छा चलो देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है, फिर तुम्हें मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगी, और दुआ करना यार आज मेरा काम हो जाए बस। हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ। चलो भाई फजूल बात आने वाली है मार्केट में। नहीं नहीं मैं बस ये पूछ रही थी कि आजकल तुम्हारी उन दोनों नमूनों से कुछ ज्यादा दोस्ती नहीं हो गई, खासकर उस शैजी से? नहीं यार वो काफी अच्छे लड़के हैं, और वो शैजी तो खास तौर पे इतना फनी है कि बस। एक बात याद रखना, ऐसे फनी लड़के ही ना माहिर होते हैं लड़कियों को घेरने में। अच्छा वो मुझे घेर लेगा? हाँ और थोड़े टाइम में तुम उस रूम में शिफ्ट हो जाओगी। अच्छा मतलब वो विक्की यहाँ शिफ्ट हो जाएगा? मुँह ना तोड़ दूंगी। अरे भाई अभी मेकअप करा है मैंने, खराब हो जाएगा। तुम्हारा नहीं उस विक्की का मुँह तोड़ दूंगी। ओ हेलो फिकर मत करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि कोई भी ऐरा गहरा आके मुझे अपने बस में कर लेगा। अर्सला जब भी अपना दिल किसी को देगी ना तो बहुत सोच समझ कर देगी। ये सौदे ना सोच समझ के नहीं होते स्वीट हार्ट, ये तो बस हो जाते। ओ समझ गई, तुम्हें अदनान याद आ रहे हैं ना? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भुला पाते हैं, वो कमबख्त तो हर वक्त मेरे दिमाग में ही रहता है। उस सब के बाद भी जो उसने तुम्हारे साथ करा? कह रही हूँ ना ये सौदा सोच समझ के नहीं किया जाता, ये बस हो जाता है, इसीलिए तो मैं अपना घर छोड़ के यहाँ चली आई हूँ। अगर मैं वहाँ रहती ना तो वो हर वक्त मेरे सामने आता रहता। देखो सारा रिश्तों के शुरू होने में और चलने में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, और देखो देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाए। क्या ऑर्डर किया है बाजी? वो कुछ वॉल स्टिक्स हैं, 3 टेबल लैंप्स हैं और 3 सॉल्ट लैंप्स। चले बाजी ये तो अच्छा है कि आप साइड बिजनेस करती हैं, वरना जो सबसे किराया आता है ना उसमें तो गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। साइड में बिजनेस नहीं पगली, साइड में कराया है। अच्छा जब भी तो आप इतना ठोक बजा के कमरा देती हैं। पागल हो क्या, क्या बोले जा रही हो? अरे वो तो सिर्फ मिसाल थी। मेरा दिमाग मत खाओ, जा जाकर सफाई करो, अभी कमरे खाली हैं। अच्छा वो कमाल भाई का कमरा मैं साफ करूं या आप? नहीं वो मैं खुद खड़े होकर करवाऊंगी, तुम जाओ बाकी कमरे साफ करो, जाओ। अच्छा ठीक है बाजी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी जल्दी आ गई हो, यूनिवर्सिटी गई थी यहाँ डेट पर। हमसे कौन डेट मारेगा मैम? क्यों तुम खर्चा ज्यादा करा देती हो? और नहीं तो क्या, बिल देगा तो दिल का पता चलेगा ना। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ ये लड़के ठीक है? क्या हो गया मैम, वो दोनों तो आपसे बहुत छोटे हैं। सारा होश में हो तुम, मैं उनके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा अच्छा मैम, वो दोनों वैसे तो ठीक हैं, लेकिन वो जो विक्की है ना वो थोड़ा लड़ाका और चलाक टाइप का लगता है, और शेजी वो थोड़ा स्वीट बनता है, इसलिए उसको वॉच करने की ज्यादा जरूरत है हमें। इसका मतलब है सोनिया को उनके कमरे की सफाई के लिए मैं उनकी गैर मौजूदगी में भेजूं। मैम आपको सिर्फ सोनिया की फिक्र है और हमारी? तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, अपनी हिफाजत खुद करो। ठीक है हम खुद ही कर लेंगे। देखो बाहर कौन आया है। मालूम है मुझे कौन आया है। इसको कैसे पता है कि कौन आया है? अंकल ठरकी मुझे आइडिया था कि आप ही होंगे, बट मैम तो है ही नहीं घर पे। अरे ठरकी नहीं बरकी है हमारा नाम, बरकी। बरकी कहा करो मैं तो बरकी ही तो बोला है। अच्छा बरकी कहा था,
शायद मैं कुछ ऊंचा सुनने लगा हूँ। अच्छा ये बताओ वो है क्या? कौन है क्या? वो कोमल जी। अभी तो बताया है कि नहीं है वो। मगर उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। वो रिक्शे में गई हैं। क्यों भाई, अपनी गाड़ी होते हुए रिक्शे में क्यों गई हैं? ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा ना। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, वो है कहाँ? अभी तो बताया है कि वो नहीं है। अच्छा वैसे कहाँ गई है? पता नहीं, किसी साहब से मिलने जाना था। शायद किसी ऑफिशियल मीटिंग में गई होंगी। बहला लीजिए दिल। वैसे आपकी बेगम को पता है कि आप रोजाना दोपहर में यहाँ टपकते हैं? अरे हमारी बेगम जैसे ही दोपहर की नींद लेने के लिए सोती है हम यहाँ चले आते हैं इन्हें देखने। अच्छा बताओ वो है क्या? अंकल ठरकी। बरकी। हाँ बरकी बोला है। मैम नहीं है और वो रात तक ही आएंगी। मतलब रात तक क्या मैं यही खड़ा रहूं? इस उम्र में इतना खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। वाकई सही कह रही हो, मैं बैठ जाता हूँ। हाय सारा। हाय। ये कौन है? अंकल ठरकी। ये ठरक करने आए हैं तुम पर? वाह अंकल, इतनी उम्र आपकी हो गई है फिर भी आपका टेस्ट नहीं अच्छा हुआ। शट अप, वो मैम के लिए आए हैं, पड़ोसी हैं हमारे। अच्छा बात सुन बात सुन, चल चल अंकल की मजे लेते हैं। अंकल ठरकी, अंकल ठरकी, कैसे हैं आप? मैं जानता हूँ तुमने भी मुझे बरकी कहा होगा, लेकिन मुझे क्यों ठरकी लगा? नहीं 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 अंकल, हम आपको ऐसे कैसे कह सकते हैं। अच्छा अंकल एक बात बताइए, अगर आपके सामने एक खूबसूरत प्यारी अकेली लड़की हो तो आप क्या करेंगे? छी छी शर्म करें, यहां तक आवाज आ गई मुझे। चलो भाई, अच्छा तो चलो हम उन्हें सहारा ही दे देंगे। अच्छा मतलब आप शादी करेंगे? पक्का ना? हाँ हाँ शादी करेंगे भाई, शादी। अपनी बेगम से छुपकर? अरे नहीं भाई, छुपके क्यों करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे, डंके की चोट पे। वेरी गुड। अच्छा सारा, अंकल ठरकी की मैंने ये बात रिकॉर्ड कर ली। अरे रिकॉर्ड कर ली क्या? आंटी को व्हाट्सएप पे भेज दूं? हाँ हाँ लाओ, भेजो भेजो, मुझे भेजो। अरे नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, हम तो दोस्त हैं ना आपस में। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ। तो मैं चला भी गया भाई। अंकल की हवा निकल गई। अंकल डर गए, डर गए। वाह वाह वाह, यूनिवर्सिटी का पहला दिन और मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है, वाह। हाँ यार मैंने ना सोच ली एक बात कि इस दफा ना मैं अपनी मेहनत से पास हूँ। वाह वाह वाह, मेरे लाल क्या सोच है तेरी। मेरी जान तू हमेशा अपनी मेहनत से ही पास होता है। देख हमारी नकल में भी बहुत मेहनत लगता है, याद करके तू सभी लिख लेते हैं। असल कमाल तो वो है किसी और की कॉपी से देखकर उसी स्पीड में लिखा जाए, ये होता है रियल टैलेंट। ये अब कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहा तू मेरी? हल्का हाथ रख जरा, ये लो। यार देख हम दोस्त ही एक दूसरे के काम आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। मैं तेरी फीस भरता रहूंगा और तू मुझे नकल करवा के पास करवा। नहीं 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 अबू, लड़कियां नहीं है, सिर्फ लड़के लड़के ही हैं। तो अब्बू जी मैंने कब कहा कि मैं आपका अब्बू हूं? मेरे यकीन करें मैं सुधर गया हूं अब्बू जी। अच्छा अब्बू अम्मी कहाँ हैं? अच्छा अच्छा ओके अब्बू जी, ओके खुदा हाफिज। झूठ बोला अब्बू से? कौन सा झूठ, मैं झूठ नहीं बोलता। लड़कियां नहीं है यूनिवर्सिटी में? समझा करें, बहुत लड़ाइयां करके आया हूँ यहाँ। अच्छा मतलब तुम्हारा कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है लड़कियों के मामले में? हु? पता नहीं कौन सी बदनामी गले पड़ गई, मैं तो इतना शरीफ हूँ, मैं तो
आपको भी नजर उठा कर नहीं देखता। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है मुझे। ना प्यारा फूल है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? फूल तोड़ रहा हूँ। अगर मैम ने देख लिया ना तो वो तुम्हारा सर तोड़ देंगी। मैम ने देख लिया है, क्यों तोड़ा तुमने फूल? जवाब दो, क्यों तोड़ा है फूल? किसकी इजाजत से तोड़ा है? मैम वो बेख्याली में टूट गया मुझसे। मैंने कहा था कोई भी टूट फूट होगी तो तुम लोग ठीक कराओगे। कहा था ना मैंने? जी कहा था। चलो वापस लगाओ इसको वैसे ही। वापस? मैम ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो फूल तोड़ने से पहले सोचा चाहिए था। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे ये फूल तो बहुत खूबसूरत है, आप कैन हैव इट? जी जी जी, ये आपके लिए। थैंक यू। तुम लोग जाओ अपने अपने कमरों में। अरे इन्हें छोड़िए ना, आप अंदर चले, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? After you. अबे ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया, मैं तो बस नहा रहा था। हाँ तो क्या करके नहाया? अपनी तरह समझा हुआ है, साबुन कहीं के। अबे ओ शाड़े, इन मामलों में तू मेरा भी बाप है। अगर उस हिटलर औरत को पता लग गया तो पुलिस बुला लेगी, घर से निकलवा देगी हमें। हैं? कोमल मैम मेरे नहाने में पुलिस क्यों बुलाएंगी? मैं उनके वॉशरूम में थोड़ी नहा रहा था। कर ली कॉमेडी। अबे जो इस नौकरानी के साथ किया है ना, इस वजह से पुलिस बुलाएगी। ये यहाँ कहाँ से आ गई? अच्छा मासूम बन रहा है, मुझे तू सोशल मीडिया पे पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। घर की मासी को उबाश नौजवान ने नशावर चीज पिलाकर अपनी ज्यादती का निशाना बना डाला। पागल हो गया क्या? जब मैं यहाँ आया था नहाने के लिए गया था तब कमरा खाली था, कोई भी नहीं था। अच्छा फिर इसने खुद से खुद को बेहोश कर लिया। एक मिनट मुझे ये बता, तुझे ये कैसे पता कि ये बेहोश है? अबे ओ लल्लू, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, ये फिर भी नहीं उठ रही। तू पीछे हट, मैं देखता हूं इसको। सोनिया, सोनिया, बचाओ बाजी! चुप कर, खुद यहाँ पड़ी हुई है और हम पर इल्जाम लगाने की तैयारी कर रही है। अरे वो तो बस मैं थोड़ा सा सो गई थी। वो पागल, तुझे ये जगह मिली थी सोने के लिए, हमें मरवाएगी क्या? भाई मैं तो यहाँ पर आई थी, यहाँ कोई भी नहीं था तो मैंने सोचा मैं यहाँ सो जाऊँ। रात में सड़क पे भी कोई नहीं होता, वही सो जाना। उठो उठो निकलो यहाँ से। सोनिया, हिटलर की आवाज। अरे बाप रे बाप, बाजी बुला रही है। एक मिनट, उनके सामने अगर ये यहाँ से निकलेगी ना तो ये हम पे इल्जाम लगा देगी। तो मैं क्या करूँ? रुको मैं कुछ सोचता हूँ। अबे पागल है क्या, अगर वो ढूंढते हुए यहाँ आ गई हम पक्का फंस जाएंगे। वैसे भी बाहर एक सीन हुआ है अभी। बाहर क्या होगा? अबे उसे छोड़, ये सोच अंदर क्या होगा। अरे हटो, कुछ नहीं होगा, जा रही हूँ मैं। आउट हो गया। अरे पीओ चलने लगा, मेरा ड्रामा आ रहा होगा। अर्सला यार अभी नहीं प्लीज, बहुत कांटे का मैच चल रहा है। अरे ड्रामे का नाम भी कांटे ही है। अर्सला प्लीज यार, अपने ही कांटा रात को रिपीट में देख लेना। तुम लोग बाद में हाइलाइट्स देख लेना। नहीं यार हाइलाइट्स में ना पूरा मैच नहीं आता। तुम लोग कितने फारिग हो, तुम लोगों को वो बॉले भी देखने जिन पर कुछ नहीं हुआ। अर्सला प्लीज अभी नहीं यार। ओके यार। यो, ये टेंशन और परेशानी वाले ड्रामे ना हमारे सामने मत देखा करो। यार तुम लोग भी देखो, बहुत अच्छा ड्रामा है। ये क्या लगा दिया यार तुमने? अबे ये तुम लोग क्या बकवास चीज देख रहे हो? तुम लोगों को ना मैं एक आला चीज दिखाता हूँ फ्यूचर फ्लैश पे। अगर व्लॉग्स ही देखने तो बासित और माइन के देखते हैं। मुझे ड्रामा देखना है। नहीं मुझे मैच देखना है। एक मिनट ब्यूटी चैनल लगाओ, ब्यूटी टिप्स आ रहे होंगे। अरे मैम आप पहले इतनी खूबसूरत है, और खूबसूरत होकर क्या मिस वर्ल्ड बनना है? मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चलो रिमोट इधर दो। मैम सीरीज देखते हैं ना। घर किसका है? आपका। टीवी? वो भी आपका। केबल के पैसे कौन देता है? आप।
तो मर्जी भी मेरी चलेगी। दो इधर रिमोट। कोमल वो गाड़ी की चाबी कहाँ है? वो तो अंदर ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी थी। अर्चना जरा लेके आना। जी। आप कहीं जा रहे हो? ज़ाहिरा मैम, कमाल भाई ने चाबी लेके सोना थोड़ी होगा। This guy is really funny यार, I like him. Thank you. कोमल, मैं जरा क्रूजिंग पे जा रहा था, why don't you join me? मैं भी चलूं? Of course, who else? इसी ड्रेस में? अरे गाड़ी में ही बैठना, क्या फर्क पड़ता है? चलो, चैनल चेंज नहीं होगा, मैं अभी वापस आ रही हूँ। लेकिन मैम आप तो जा रही थी ना? Shut up. चलें। After you. शुक्र है। चलो जल्दी से मैच लगाते हैं। नहीं, ड्रामा लगेगा। नहीं, नहीं, फ्यूचर फ्लैश देखेंगे हम। मैं मैच देखूंगी। नहीं, ड्रामा। मुफ्ते भाई। गुड मॉर्निंग कमाल भाई। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोग सुबह सुबह? वो क्लास है। वेरी गुड भाई, गुड बॉयज। आओ आओ बैठो, नाश्ता करो। असल में कमाल भाई, अगर हमने अभी नाश्ता कर लिया तो लंच या डिनर नहीं मिलेगा। अरे भाई मेरे साथ खा लो, हम तीनों को पूरा हो जाएगा। थैंक्स। अगर आप कहेंगे तो हमें खाना भी मिल जाएगा। वैसे एक बात बताएं कमाल भाई, आप ये कर कैसे लेते हैं? क्या कैसे? मतलब वो आपको क्यों पसंद करती है? मतलब कि आप उनसे एज में कम भी है, वो आपसे अमीर भी है, जोड़ी कुछ लेवल की नहीं है। ये आखिरी लाइन में कुछ बेइज्जती महसूस नहीं हो रही मेरी? आई एम रियली सॉरी कमाल भाई, लेकिन आप बात को समझे ना। समझ गया यार, समझ गया। देखो, आई बिलीव कि हर इंसान में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि अगर वो उनको इस्तेमाल करे ना तो बहुत कुछ कर सकता है। तो आपके अंदर क्या है? दिल में घर कर लेने की खासियत, दिल जीत लेने की खासियत। किसी को भी खुद से प्यार करने पर मजबूर करने की खासियत। देखो भाई, सीन ये है कि मैं किसी भी लड़की को हासिल करने और हैंडल करने के ना 170 तरीके बता सकता हूँ। ओ मतलब पार्ट टाइम आप महबूब आपके कदमों वाले बाबा हैं। हाँ, फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग यही समझ लो, लेकिन मैं कोई जाली तावीज नहीं देता हूँ और ना ही पैसे रखता हूँ, बस तरीके बता देते हैं। अबे विक्की, ये तो लव गुरु हैं। एग्जैक्टली कह सकते हो। तो भाई प्लीज हमें भी कुछ सिखा देना। अच्छा, तो मतलब घर में ही घर घर खेलने का प्रोग्राम है तुम लोगों का? नहीं नहीं कमाल भाई, हम मैडम के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। सोचना भी मत, इतने जूते पड़ेंगे ना कि याद करोगे। बाय द वे, मैं कोमल की नहीं उन दो लड़कियों की बात कर रहा था। तौबा करें, शेफ का कोर्स करके अब हम घर में आलू के पराठे बनाएंगे। That was a good one. चलो खैर, सिखा देंगे, लेकिन अभी यार ऑफिस के लिए। कमाल भाई, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो हम गरीबों को भी छोड़ दें? नहीं यार, ऑफिस गाड़ी में नहीं जाता, मेरा वजह सेठ की नजर में बंदा मशकूक हो जाता है। हाँ हाँ, वो सैलरी नहीं होगी ना इतनी, चले हमें बाइक पर ही छोड़ दिएगा। अपना हिसाब है। यही हिसाब है। चलो लेकिन पहले ये लोग खत्म तो कर लो तुम लोग ये। एयर शेरी एंड विकी अपने जहाज में जहाज उड़ाएंगे। ओ, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ नहीं, बस यूनिवर्सिटी के कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं ना। ओ अच्छा अच्छा। हाँ ये भी कर रहा था और इसके बाद ना मैं भी कर लूंगा। अच्छा चलो, तुम लोग बिजी हो तो मैं चलती हूँ। नहीं नहीं अर्सला, तुम रुको, तुम क्यों आई थी? यार असल में ना मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी मार्केट से, तो मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं सारा को ले जाऊँ ना साथ? ओहो, तुम्हें तो उसका पता ही है ना कि वो यूनिवर्सिटी से आने के बाद कैसे सोती है। तो तू चला जाना शेजी, काम बाद में कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैंने तुझे साथ जाने के लिए बोला ना, मुझे कह रही है। अच्छा विक्की, तू भी चलना साथ?
नहीं मुझे नली बनने का शौक नहीं है बीच में। नहीं बेटे नली नहीं, तू घुटने की हड्डी बनेगा, वो भी गोल वाली। वो भी ठीक है, एक काम करो तुम लोग जाओ एंजॉय करो, पढ़ाई कर लेते। चलो हम चलते हैं। चलते हैं। आप बाय बाय। मुझे पढ़ना पड़ेगा। शेजी बाइक की पड़ गए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, वो भी एक साथ? वो मैम मुझे मार्केट जाना था तो शाम होने वाली थी। ये तो मेरे सवाल का अधूरा सा जवाब लग रहा है। तो मैम अर्चना ने मुझे कहा कि मैं भी साथ चलूं। कहीं तुम दोनों में कोई चक्कर तो नहीं शुरू हो गया? नहीं 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 मैम, अर्चना जैसी समझदार लड़की मुझ जैसे पाजी के साथ चक्कर कैसे चला सकती है, हम बस दोस्त हैं। अच्छी बात है, चलो मैं तुम दोनों को रास्ते में उतार देती हूँ। आप कहीं जा रही हैं? वो कमाल की बाइक खराब हो गई है, उसको ऑफिस लेने जा रही हूँ। ओह अच्छा। शेजी तुम गेट खोलो। वाह कमाल भाई, तुसी ग्रेट हो। अर्चना तुम आगे बैठो। जी अच्छा। ओह अंकल चरकी। ओह नो। अरे अस्सलाम वालेकुम मिस कोमल। वालेकुम अस्सलाम। अरे मिल गई, खुदा का शुक्र है आज तो आप मिल गई। अरे मिल गई आज भाई, मिल गई। मिल गई? कहीं खो गई थी? अरे मेरा मतलब है मुझे नहीं मिल रही थी, आज मिल गई, शुक्र है खुदा का। क्या बात है बरकी साहब, आप इस वक्त कहाँ से आ गए? अरे मैं तो बड़ी देर से दरवाजे पे खड़ा था पर घंटी बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ तो ग्लूकोज पी के आते हैं अंकल टर्की। क्या कहा? नहीं नहीं अंकल बरकी। अरे उस वाली हिम्मत की बात नहीं कर रहा मैं, समझा करो। अच्छा हम समझ गए, आप जल्दी कहिए जो कहना है, हमें देर हो रही है। अरे कहना तो बहुत कुछ है आपसे, अगर आप समझ सके तो। जी नहीं, मैं बगैर कहे कुछ नहीं समझती। बोल दूं क्या? बिस्मिल्लाह इरशाद करें। मैं आपसे। अरे आंटी आ गई। अरे आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई नींद से? अरे हमें छुपा लीजिए कहीं, कितना बुरा लगेगा आपके सामने अगर पिटेंगे तो, छुपा ले प्लीज। अरे और हाथ में डंडा भी है, आप यहीं यहीं पीछे छुप जाएं। चलो चलो जल्दी गाड़ी में। इतना ही बुरा लग रहा हूँ ना तो जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। मैं क्यों चली जाऊँ, तुम उठो ना यहाँ से जाओ। ना भी जाओ मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है। वैसे कमाल है ना, दो गहरे दोस्तों में इतना फर्क, एक जमीन दूसरा आसमान। बात तो वाकई सच है, एक इतनी हंसमुख खुश मजाज और दूसरी खुश्क मजाज। दूसरी नहीं दूसरा। आई बड़ी। चाय ला दूं आपके लिए? हाँ प्लीज दो कप ला देना। दो कप क्यों? हाँ तो दूसरा कप भी तो मैं ही पीऊंगा ना। मगर वो शैजी तो बता रहे थे कि वो बाहर गया अर्चना के साथ। वैसे इंसान कुछ भी हो मुफ्ता ना हो। सोनिया वैसे अर्चना और शैजी गए कहाँ हैं? पता नहीं मार्केट जाने का कह रही थी अर्चना। अच्छा अजीब पागल है, मुझे भी बोल देती मैं भी साथ चली जाती उसके। वो तो बोल रही थी कि तुम नेस्ती हो, एक नंबर की बोरी हो, यूनिवर्सिटी से आकर जहाँ गिरती हो वहीं चिपक जाती हो। झूठ बोल रहे हो ना, आग लगाना चाहते हो ना हम दो दोस्तों के बीच में कुटनी करके। मैं तो सच कह रहा हूँ। ये लीजिए दो कप चाय। वैसे एक साथ दो कप पीने का ना मजा ही अलग है। सोनिया एक काम करो, अर्चना के हिस्से की भी चाय मुझे ला के दे दो। ठीक है बाजी अभी लाई। यार कसम से मजा आ गया था, वो शॉपकीपर तो पागल हो गया था जब शेजी ने उसकी शर्ट्स में से इतने ज्यादा नुक्स निकाली। हाँ ना यार, वो भी तो 100 रुपए वाली शर्ट की 2000 रुपए मांग रहा था। शेजी अब वो 200 रुपए वाली भी नहीं थी। माना यार तुम्हारी चॉइस थी मगर थी तो 100 रुपए वाली ही। वैसे शेजी ना जब भी मार्केट जाओ ना हमेशा शर्मिंदा करवाता है। क्यों शर्मिंदा भाई, मैं क्या कभी किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया हूँ? बेटे आप ना औरतों से दो हाथ आगे हो बार्गेनिंग करने में। मेरा मतलब आप दोनों तो लड़की है ना, मैं उन औरतों की बात करूँ जो 1000 वाली चीज 500 में लेके भी कहती हैं, हाय महंगी ले आई हैं। ऊपर से माशाल्लाह से शेजी, दुकानदार कहता है 1000 रुपया, माशाल्लाह से भाई कहते हैं 200 रुपया। हाँ तो 400 में खरीद कर भी लाता हूँ ना। वैसे बार्गेनिंग करना भी ना एक आर्ट है,
मुझसे तो नहीं होता भाई ये सब। भाई शैजी तो चैंपियन है, आज मैंने देख लिया। वैसे सारा अगर तुम्हें इत्तेफाक से मार्केट जाना हो ना तो शैजी के साथ ही जाना। हाँ मगर तुम्हें भी अरसला की तरह गोलगप्पे और चाट खिलाने पड़ेंगे। हाँ हाँ खिला दूंगी भाई, जहर भी खिला दूंगी। अच्छा वैसे ये बड़ा खामोश बैठा है मगर इसकी कंपनी भी बहुत अच्छी है। रहने दो, इसके साथ कौन जाएगा, इससे बेहतर है कि इंसान घर में ही बैठा रहे। मुझे समझ नहीं आ रही विकी तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं बस अपने पापा के बिजनेस के साथ जुड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं अपना खुद का काम करूँ। मेरी बात सुनो, अपना बिजनेस शुरू करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रिस्क तो है ना। तुम्हारे पापा का जमा जमाए बिजनेस है, जितनी मेहनत की जरूरत थी वो कर चुके हैं, तुम्हें तो बस उसे आगे बढ़ाना है। मैम वो सब तो ठीक है लेकिन स्क्रैप का बिजनेस। अरे वो कबाड़िए थोड़ी है, शिप ब्रेकिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भाई। मैम मैं ना आपकी तरह ना ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो तो तुम साथ में भी कर सकते हो, इसमें कौन सा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। रियली ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो आप क्या मुझे सिखाएंगी कि ऑनलाइन बिजनेस करते कैसे? बिल्कुल मैं सिखा दूंगी। अरे वाह थैंक यू सो मच मैम, आज आपका मूड काफी अच्छा लग रहा है। मूड अच्छा है गाड़ी मांग लेता हूँ। गाड़ी मिल सकती है थोड़ी देर के लिए? शट अप, मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देती। जलील हो गए। हेलो क्यों? अच्छा ठीक है मैं जरा आता हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो? बहुत जोर से प्लीज। क्या करूं मैं इनका? यार विकी तुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मगर क्यों? यार विकी एक मसला है। जल्दी बता शैजी क्यों इतनी टेंशन दे रहा है, हुआ क्या है? ये हुआ है। बच्ची ये कौन है? बच्ची है। इसको वीजा कहाँ से मिला? तेरे पास पैसे कहाँ से आए इतने? अबे ये वो नहीं है। वो नहीं है तो ये कौन है? बच्ची है मेरी। बच्ची? ये तो अच्छी खासी बड़ी है। अबे पूछूं बच्ची मतलब गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड किसकी? आई किसके साथ है? तेरे साथ। तो गर्लफ्रेंड किसकी हुई? मुझे क्या बताओ। अरे भाई इतना घबराया हुआ क्यों है? यार शैजी तू लड़की को लेकर घर पर आ गया? हाँ तो और कहाँ लेकर जाता? क्या अबे पागल है क्या? अपने भाई पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहा है। बताया ना गर्लफ्रेंड है मेरी यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी की? लेकिन तू यूनिवर्सिटी में तो सिर्फ मेरे और लौंडो के साथ घूमता है, मैंने तो इसे आज तक नहीं देखा। अरे भाई ये तुझसे चुप कर हुआ है, अब प्लीज कुछ कर, मुझे अंदर जाना है। वो तो मेरे भाई कहीं बाहर ले जाता ना, घर पर क्यों ले आया? सब है। अरे भाई बाहर ले जाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। यार तू एक काम कर इसे पहले छोड़ कर आ। ऐसे कैसे छोड़ के आऊं? अब तो आ गए हैं, मुझे अंदर जाना है। यार मुझे क्या धूप में खड़ा करके खुद यहाँ बातें करने आए हो? नहीं 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 मैं बस दोस्त की खैरियत पूछ रहा था। इतनी लंबी खैरियत? हाँ बस हो गई। तुमने खाना खिलाना था मुझे, इतनी भूख लग रही है यार। हाँ हाँ खाना खिलाऊंगा, ये विकी है ना बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं खाना बनाऊंगा? अबे ऑर्डर कर देना ना, मैं झूठ बोल लूंगा कि तूने बनाया। क्या बात है तेरी। चलना यार प्लीज, कमरे तक पहुंचने का कोई सीन तो बना प्लीज। शैजी तू ना मरवाएगा भाई मेरा भाई। ऐसे आपका नाम क्या है? हसीना। अंदर ले क्या?
अबे पक्का ना यहाँ कोई नहीं है? हाँ हाँ कोई भी नहीं है, कोई नजर आ रहा है? आप लोग कहाँ से आ रहे हो? लस्सी पीने गए थे। है? मगर विकी आप तो मीठा पीते ही नहीं हो, क्या नमक वाली लस्सी पी ली आपने? नहीं नहीं वो मैंने लस्सी में चाय मेरा मतलब मैं चाय पी के आ रहा हूँ। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं बाहर झाड़ू लगाने जा रही हूँ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं बाहर सब कुछ साफ है। ऐसे कैसे, मैंने तो कल झाड़ू दी थी वहाँ पर। वो असल में ना सुबह बाहर कचरा बहुत ज्यादा था तो शैजी ने ना झाड़ू दे दी थी। क्या बाजी को मालूम है ये बात? नहीं क्यों बताना है? नहीं 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 बाजी को मत बताइएगा प्लीज, वरना वो मेरा सर तोड़ देंगी। तो ठीक है तुम किचन में जाओ और 2-3 घंटे तक बाहर नहीं निकलना। है मगर 3 घंटे में करूंगी क्या वहाँ? अरे कुछ भी कर लेना, बर्तन धो लेना, गंदे हो जाए फिर धो लेना, फिर गंदे हो जाए फिर धो लेना। कंट्रोल हौसला रख। ओके ओके। अबे अब क्या करना है? अबे करना क्या है, चुपचाप कमरे तक पहुंचना और अंदर घुस जाना। मतलब मैं भी अंदर जाऊंगा? ये क्यों आएगा हमारे साथ? हाँ तू क्यों जाएगा? तू बाहर पहरा देगा ताकि हम दोनों पकड़े नहीं जाए। वाह शिकारी शिकार करे और मोतिया बाहर फेरे। तू मेरा दोस्त नहीं है। चुप कर चल अंदर। आओ विक्की ये क्या हो रहा है चोरी छुपे? अरे नहीं मैम चोरी छुपे तो रात के अंधेरे में होता है, अभी तो भाई दिन रोशन हो रहा है। हाँ मगर ये लड़की कौन है? कौन सी लड़की? जो तुम दोनों के पीछे छुपी हुई है। मैम ये विक्की की कजन है। विक्की की कजन? जी ये मेरी फुप्पो की बेटी है। तुमने तो कहा था तुम्हारी सारी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है। सिर्फ यही कराची में रहती है, अकेली थी मिलने चली आई। क्या नाम है इसका? समीना। हसीना। समीना या हसीना? कमाल है अपनी गजन का नाम ही भूल गए तुम। नहीं वो असल में बात क्या है कि शादी से पहले ना इसका नाम समीना था, शादी के बाद इसका नाम हसीना हो गया। क्या लोग शादी के बाद सरनेम बदलते हैं, इसका पूरा नाम भी बदल गया? मैं बोलूं? हाँ हाँ ये बोल भी सकती है। बोलो। दरअसल मेरा नाम समीना था, चूंकि मुझे राज नहीं आया, मैं बार बार मैट्रिक में फेल हो रही थी इसलिए मैंने अपना नाम हसीना रख दिया। अच्छा फिर हो गया मैट्रिक? नहीं एक बार फेल हो गई तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अरे तो बच्चे नाम का मसला तो नहीं था ना? अच्छा चलो तुम मेरे साथ। आपके साथ क्यों? मेरे साथ चलकर ड्राइंग रूम में बैठो नीचे। नहीं 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 मैम आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं, ये यहाँ हमारे साथ रूम में बैठ जाएगी। जी नहीं अकेली लड़की तुम लोगों के साथ कमरे में नहीं जाएगी, चलो तो मेरे साथ। अरे ओ जेवीर कजन है हा? बेटा अभी तो नीचे जाओ तुम लोग, तुम लोगों को तो मैं बाद में पूछता हूँ। मैं ना कल 10 गरीबों को ना खाना खिलाऊंगा। कंजूस कम से कम 20 तो कर ले। चुप कर बड़ी मुश्किल से बचे हैं आज। लगता है वापस आ गई। जी कौन? हाँ भाई कजन पहुंच गई तुम लोगों के घर। कमाल भाई वो मेरी कजन नहीं थी इसकी थी। अबे चुप कर मुझे बेवकूफ समझते हो? बेटा उड़ती हुई चिड़िया के ना पर गिन सकता हूँ मैं। तो फिर तो आपको उस चिड़िया के साथ उड़ना पड़ता होगा। अबे ओ परी दाढ़ी वाली। ये मुहावरा ना तेज नजर के लिए इस्तेमाल होता है बावले। अच्छा खैर कितने में लेकर आए थे? कसम से मैं नहीं जानता था उसको, ये लेके आया था। अच्छा खैर जो भी थी वो आज तो ये हरकत कर दी तुम दोनों ने, आज के बाद ये हरकत मत कर। घर में 2 लड़कियां भी रहती हैं, कोई ख्याल करो। ओके बड़ा आया खुलेआम आंटी के साथ चक्कर चला रहा है, उसके मुंह में निवाले भी डाल रहा है और आगे हमें नसीहत कर रहा है। ओहो एक आ गया।
मेरी ये वाली पक्की कोठे से पिट रही थी, तूने तो देखा ही नहीं। गलती हो गई। अब तो हो गई। 5 आई एम द विनर। अरे अर्सला, तुमने बताया नहीं वो तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। हाँ वो तो ठीक चल रहा है। खैर तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है। हाँ बस ठीक चल रही है। अच्छा यार वो अच्छा सुनो यार, मुझे अपना फोन दे सकती हो। एक्चुअली ना मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करके ना क्लास का पूछना है, मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, ले लो, कर लो बात। मैं अपना फोन ना सोफे पे बाहर भूल आई हूँ, एक काम कर दोगी मेरा फोन ला दोगी प्लीज बाहर से। अबे यार अच्छा ला कर देती हूँ। अच्छा तो ये तुम्हारा फोन तो मेरा नहीं। अरे मैं भूल गई थी, वो यही था मेरे पास। ओ अच्छा अच्छा तो कर लो फोन। नहीं अब जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात पूछूं अर्सला। हाँ पूछो। सच सच बताओगी। हाँ हाँ पूछो। तुम शैजी को पसंद करती हो ना। क्या नहीं तो। मैंने कहा सच बताना। यार हाँ मुझे शैजी बहुत पसंद है। क्या शैजी भी तुम्हें पसंद करता है। यार वैसे लगता तो यही है। यार दुआ करो कि शैजी भी मुझे पसंद करता हो। अगर मुझे शैजी मिल गया ना तो लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया। मैं दुआ करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें तुम्हारा मन चाह साथी भी मिल जाए। थैंक यू सो मच मेरी जान, आई लव यू। कमरे में भी नहीं। विकी सुन, विकी यहाँ है तू? यहाँ भी नहीं है। पागल कहाँ चला गया? ओह, किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया मेरे यार को। अगवा बनाए तावान। मेरा यार विकी। हाँ शैजी। हाँ विकी, किसने अगवा किया तुझे? बता कहाँ है तू, कहाँ रखा है? कोई निशानी बता, कोई लारी अड्डा, कोई रेलवे स्टेशन, कोई जहाज अड्डा, कहाँ रखा है तू? अबे दिखने में कैसे? लंबे चौड़े काले मोटे नीले पीले, मुझे बता, मैं अभी आ जाता हूँ तुझे छुड़वाने। छुड़ी थले साल है, मैं आप फोन चुकी है, की हो गया? फोन तो तूने ही उठाया। यार मैं अगवा नहीं हुआ, मैं घर पहुंच गया हूँ। यार मगर तू कहाँ चला गया था? अबे अंदर कमरे में आकर बताता हूँ ना, फोन रख। ओके। अबे तू कोई पागल वागल तो नहीं है? कहाँ गया था तू? अरे भाई। क्या भाई? इतनी देर मैंने तेरे इंतजार की यूनिवर्सिटी के बाहर, तुझे पता नहीं जमाना कितना खराब है। हो गया तेरा? हाँ हो गया। अच्छा फिर सॉरी। ये ले बस सॉरी। कहाँ गया था तू? मार्केट गया था मैं कुछ लेने के लिए। मार्केट गया था, मुझे बताया भी नहीं। यार शैजी मुझे प्यार हो गया। दुकानदार से? पागल हो गया? मार्केट क्या प्यार खरीदने गया था? नहीं ये लेने गया था। अंगूठी? मतलब मामला सीरियस है। हाँ यार शैजी मुझे बहुत प्यार हो गया है। मगर किससे? मुझे तो पता, जल्दी से तेरे अम्मा अब्बा से मैं बात करूं या तू खुद बात करेगा? वो तू बात करेगा उनसे। नाम तो बता भाभी का। अर्सला। अर्सला? अपनी अर्सला? यार मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई है। अबे लग गई। और तेरी तो दोस्त है ना? यार तू बता हमारा कपल आपस में कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यार अगर वो मुझे पसंद नहीं करती हुई तो? क्यों नहीं करेगी तुझे पसंद वो? कौन सी कमी है मेरे यार में? लाखों में एक है तू। सच में यार तू मेरा पक्का दोस्त है यार।
दोस्त हूं। मगर सुन, तू उसे अभी प्रपोज मत कर जब तक मैं ना कहूं। क्यों? पहले मुझे मामलात का जायजा लेने दे, जब मैं कहूंगा तब करना। अबे वहां कहां जा रहे हैं? सॉरी सॉरी, हाँ भाई हैकल, कहाँ है तेरा चैकल? सो रहे वो कमाल भाई। अच्छा, तो तुम किस उधेड़बुन में लगे हुए भाई? कमाल भाई, क्या मैं आपसे कोई मशवरा ले सकता हूँ? हाँ हाँ पूछ, कोशिश करूंगा। अच्छा मशवरा दूं तुझे? एक लड़की से प्यार करती है। पता था मुझे यार, इस उम्र में ना मसला लड़की का ही होता है। मामला कुछ संजीदा है कमाल भाई। ओके, तो बोलो संजीता जी। हाँ तो लड़की लड़के से प्यार करती है और लड़का भी शायद थोड़ा थोड़ा करता है। थोड़ा थोड़ा? ओ भाई ये प्यार ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा नहीं होता है। प्यार या होता है या नहीं होता है। अच्छा अच्छा, प्यार करता है तो मसला क्या है? मसला ये है कि उस लड़के का अजीज दोस्त जिगरी यार वो भी उस लड़की से प्यार करता है। लव ट्रायंगल। जी बिल्कुल। अब आप ये बताएं उस लड़के को क्या करना चाहिए? उस लड़के को सब कुछ अपने दोस्त को सच सच बताना चाहिए। मगर इस तरह से उसके दोस्त का दिल टूट जाएगा। वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता है कमल भाई। उस लड़की से भी ज्यादा। ऐसी हजार लड़कियां कुर्बान कर दूं उसकी दोस्ती पर। अच्छा फर्ज करो कि अगर वो लड़का अपने दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता है तो वो लड़की उसे नहीं मिलेगी। यही तो मसला है कमाल भाई। वो लड़का उस लड़की के दिल से अपना प्यार निकालकर अपने दोस्त का प्यार कैसे डाले? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ऐसे कैसे किसी के दिल में किसी का प्यार बदल सकते हो आप? तो फिर आप किस बात के लव गुरु हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मेरा इम्तिहान चल रहा है। ठीक है भाई, बता देते हैं। वो लड़का तो हुआ तू, और वो जो जिगरी यार है वो हुआ विकी। अब सवाल ये है कि वो लड़की कौन है? अरसला। क्या ये सब कुछ इसी घर में चल रहा था? जी अब तो चल भी गया। चल एक बात बताओ, तुम सच में ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? अरे कमाल भाई, वो मेरी जान है, विकी मेरी जान है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से अब तक उसने मेरा सारा खर्चा उठाया है। उसके बहुत एहसान है मुझ पर। अंडरवेयर से लेकर पैंट शर्ट जूते सॉक सब कुछ उसने लेकर दिए। अब मेरी यूनिवर्सिटी का फीस भी वो भर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर दोस्ती को फॉरगेट कर भी दिया जाए तो एहसान बाकी रहता है? बिल्कुल। देख भाई, जब तक अरसला तुझसे प्यार करना छोड़ेगी नहीं, किसी और लड़के के लिए उसके दिल में प्यार जगाना ये तो मुमकिन नहीं है। एक बात बता, तूने अरसला को बताया कि तू उसे प्यार करता है? नहीं। तो बस फिर ठीक है। इलाज थोड़ा पुराना है मगर आज मोटा है, काम करेगा, बताता हूं। अबे इधर तो आ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। टाइम पर बात कर रही है अपना? क्यों भाई, विकी की कंपनी इतनी भी बुरी नहीं है। मुरव्वत से काम ले रही हैं आप। मैम मुझे एक बात नहीं समझ आती, ये आजकल जलने कुड़ने वाले लोग पैदा ही क्यों होते हैं? अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों मुर्गों की तरह लड़ रहे हो? मैम इन दोनों का यही तो काम है। मैम अभी अरसला भी तो है ना, कितनी स्वीट, कितनी सुथरी, कितनी प्यारी बातें करती है ना। और एक ये है, ऐसा लगता है जैसे सीख से अभी उतर कर आई हो। तुम्हारा मतलब है जली भुनी? अरे कमाल का फोन आ रहा है। हेलो कमाल। हाँ मैं लाउंज में बैठी हूँ। अच्छा आती हूँ। ठीक है। क्या प्रोग्राम है मैम? पता नहीं, कमाल को क्या काम है, मुझे साथ चलने को कह रहा है। आपकी गाड़ी तो कमाल भाई के पास है ना? विकी वो कमाल की भी गाड़ी है। जाती हूँ।
चलो अर्चला, हम भी अंदर चल। अरे अरे, अर्चला को क्यों लेके जा रही हो? उसे यहीं रहने दो ना। क्यों क्यों नहीं लेके जाऊं? चलो अर्चला। ओए, अल्लाह अल्लाह, इसे फिर क्यों ले आया? क्या हुआ क्या हुआ, ये कौन है? अरे मेरी कजन है, फिर आ गई। कजन? हाँ, लंबी स्टोरी है। अबे इसे क्यों ले आया दोबारा? सबसे मिलवाने लाया हूं ना। हाँ तो ये अर्चला है, ये सारा, और विक्की को तो तुम जानती ही होगी। हाँ, समीना का कजन ना। एग्जैक्टली। और फ्रेंड्स, ये है मेरी गर्लफ्रेंड हसीना। गर्लफ्रेंड? और अब हमने शादी करने का फैसला कर लिया। क्यों? शादी? शादी? हाँ विक्की, तेरा भाई शादी कर रहे हैं हसीना से। मगर शेजी, ये सब एकदम अचानक, और वो भी इससे? क्या मतलब इससे? यार विक्की, मैं और हसीना एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादी करने में क्या हर्ज है? अर्चला, क्या हुआ तुम्हें? क्यों हैरान खड़ी हो? मिलो ना हसीना से। अर्चला रुको, लगता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है। यार विक्की, शेजी हमें ना पहले इस टॉपिक पे ना बात कर लेनी चाहिए। जी। लगता है तुम्हारा काम हो गया। ये सब क्या हो गया अर्चला? तुमने शेजी को बताया नहीं था कि तुम उसे पसंद करती हो? यार अब हर बात तो मुंह से नहीं कही जाती ना सारा, मगर मैंने तो कहा था उसे। तो उसने क्या जवाब दिया? और उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। कोई एक्सप्रेशन तो दिया होगा ना? यार वो असल में मैंने उसे मैसेज पे कहा था। मैसेज पे? उसने मैसेज देखा भी था? हाँ यार, ब्लू टिक तो आ गया था। हद करती हो अर्चला, ऐसी बातें मैसेज पे थोड़ी करते हैं। जो दिल में होता है वो मुंह पे कह देना चाहिए, ऐसे तो गलत फहमियां पैदा होती हैं यार। यार लेकिन उसने भी तो अचानक से बम फोड़ दिया, और मैं ही पागल थी कि उसकी हंसने वाली बातों का गलत मतलब समझ बैठी। एक तरफा मोहब्बत। यार तुम दोनों को क्या हो गया है? हसीना के साथ इतनी बदतमीजी की? तुम्हें हसीना की पड़ी है और मेरे दिल की कोई फिक्र नहीं। तुम्हारा दिल कहां से बीच में आ गया? शेजी, तुम्हें अर्चला ने बताया था ना कि वो तुम्हें पसंद करती है। हैं? ये कब हुआ? कब कहा था तुमने? मैसेज किया तो था मैंने तुम्हें। वो आई लव यू वाला? तो क्या मतलब होता है उस आई लव यू का? ओ यार, आई लव यू तो बंदा दोस्तों को भी कह देता है। मैं विक्की को कहता हूँ, विक्की मुझे कहता है, तो इसका मतलब हम दोनों का वो वाला प्यार है। इट्स नॉट अ बिग डील, आई लव यू दोस्तों में चलता है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। शेजी, तुम ये क्या स्टूपिड बातें कर रहे हो? तुम इसके साथ घूमते थे, बैठते थे, घंटों बातें करते थे, तो इसके आई लव यू का क्या मतलब हो सकता है? हाँ बताओ। सॉरी यार अर्चला, मुझे अगर वाकई में मालूम होता पहले ही रोक देता मैं तुम्हें। रोक तो अब दिया ही तुमने, अब हो ही क्या सकता है। अर्चला, क्या तुम जानती हो मैं हसीना से शादी क्यों कर रहा हूँ? भाई मुझे क्या पता। क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कई बार सुना और पढ़ा है कि शादी उससे मत करो जिसे तुम प्यार करते हो, बल्कि उससे करो जो तुमसे बहुत प्यार करती हो। तो मैं भी तो तुम्हें ही पसंद करती हूँ। बोला नहीं था ना बाबा, और हसीना तुमसे पहले ही बोल चुकी है। वाह, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, रेस्टोरेंट हो क्या तुम? अच्छा चलो भूल जाओ। देखो, तुम्हें बहुत जल्द बहुत बेहतर लड़का मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करता होगा, और वो जब तुम्हारे सामने आए उसे इनकार नहीं करना, क्योंकि मैं कहीं नहीं हूँ और वो हर जगह है, वही तुम्हारा होगा। समझ जाओ मेरी बात, मैं सही कह रहा हूँ। चल भाई, अब इसे भी संभाल। यार विक्की, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। वाह वाह वाह, क्या बात है, मुझसे उम्मीद नहीं थी, इतनी बड़ी बात छुपाई और मुझे से उम्मीद नहीं थी। तो तूने भी तू अंगूठी लाने के बाद बताया था मुझे। अबे तू भी तो डायरेक्ट लड़की ले आया, और वो भी वो लड़की जिसे कुछ दिन पहले तू घर में
ट्रिंग ट्रिंग करने के लिए लाया था, कैसे डाइजेस्ट करूं यार? मतलब तू दोस्त की खुशी में खुश नहीं है? यार शेजी, तेरी खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मगर वो लड़की मुझे हजम नहीं हो रही तेरे साथ। अच्छा सुन, अगर मैं तुझे कहूँ हसीना को अपने दिमाग से निकाल दे, तू मेरी बात सुनेगा? पता नहीं यार, अभी तो वो हसीना ना मेरे दिमाग में बम की तरह बैठी हुई है और टाइमर भी चल रहा है, टिक 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 टिक। अच्छा बोल, मेरी बात सुन, तू फौरन से जाके अर्सला को बता दे तू उससे प्यार करता है। अबे भूतनी के, मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ तेरे लिए और तुझे मेरी और अर्सला की पड़ी हुई है? मैं कह रहा हूँ ना, तू सिर्फ अर्सला पे ध्यान दे। तो हसीना? अबे लानत भेज उस पर यार, तू बस अर्सला पे फोकस कर और उसे जाके अपने प्यार का यकीन दिला दे, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अपने जा अपने दिल की बात कर आज। जा। अबे ये छुपा। अभी रुक फिलहाल, अभी सिर्फ जा अपने दिल की बात कर। जा। जा। जा ना। आपको धूल बहुत पसंद है ना? नहीं नहीं नहीं, आपको फूल बहुत पसंद है ना? हाँ। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मैं तो घर के गार्डन में सो जाता हूँ। आपकी इंटर्नशिप कैसी जा रही है? बस वो मैं छोड़ रही हूँ। अच्छा, कोई और जॉब मिल गई होगी? वो मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। मगर क्यों? बस अब दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। तुम्हारे बगैर मैं बोर हो जाऊंगा अर्सला। बोर हो जाओगे तो मैं कौन सा यहाँ पे तुम्हें लतीफे सुनाती हूँ। हाँ ये भी है। और वो तुम्हारे दोस्त है ना यहाँ पर शेजी, उसकी शादी में भंगड़ा डालना यहाँ बैठ के। आई लाइक यू अर्सला। हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे और एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। अर्सला, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये चीज मेरे शेर मुबारक हो, तूने आखिरकार कर दिखाया। यार शेजी, मैंने बिंदास बोल डाला, लेकिन अगर उसने ना कर दिया तो? अबे हाँ करेगी, जरूर हाँ करेगी। हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे और एक दूसरे को बहुत खुश रखेंगे। ओ हेलो, क्या हो गया है? ऑफिस नहीं जाना क्या? यार मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्यों, पागल हो क्या? ऐसे घर में बैठी रहोगी तो सोच सोच के और पागल हो जाओगी। पागल तो मैं होती ही जा रही हूँ, सोच सोच के कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। भूल जाओ उसे, और कोशिश करोगी तो उसे भूल जाओगी। तुम्हें ऐसे परेशान थी कि मुझे रोना आ रहा है। प्लीज प्लीज मत रो, बहुत बुरा रोती हो तुम, प्लीज। ये हुई ना बात, अब कभी परेशान मत होना और ना ही उदास होना। सारा वो विक्की है ना, वो मुझे पसंद करता है। क्या, ये तुम्हें उस उल्लू ने कहा है? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही। उसका नाम मत लेना, तुम्हें मालूम है ना मेरा और उसका 36 का आंकड़ा है। तुम बिल्कुल ही पागल हो, वो इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम समझती हो उसे। ये तुम्हें कब से विकी अच्छा लगने लग गया है? अच्छा तो वो है, लेकिन वैसा वाला अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो उल्लू ऐसा वैसा अच्छा भी लग सकता है? नहीं नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। गुड, ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। एकदम फालतू इंसान है, हर वक्त लड़ता रहता है, पागल कर देगा लड़ लड़ के।
अच्छा मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और तुम भी जाओ, तैयार हो और ऑफिस जाओ। ओके बॉस। बैग मेरा। हाँ कमाल, शुक्र है तुम आ गए। चलो वेयर हाउस चलना है, वहां चोरी हो गई है। क्या? कब? रात में। तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। अब कोमल वो क्या हुआ? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो गाड़ी भी लग गई? हाँ थोड़ी सी लगी है, वो मैं डेंटर के पास दे आया हूँ, वो बन जाएगी कल तक। 50,000 रुपए बने, मैं तो वो लेने आया था। कमाल तुम्हारे पास 50,000 रुपए भी नहीं है? मैं अपने 25,00,000 रुपए रहूं या तुम्हें 50,000 रुपए दूं? उफ गॉड। कमाल भाई मेरे पास 4,000 रुपए पड़े हैं, वो ले लें आप। नहीं सोनिया, इट्स ओके, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था। वो घर में कोई नहीं था ना, तो बस मैं ऐसे ही यहाँ आ गया। ओह अच्छा, सब कहाँ चले गए? वो शेजी कहीं बाहर गया हुआ है और सारा जो है वो बुक्स लेने गई हुई है। सोनिया और मैम को तो मैंने देखा ही नहीं आज। सोनिया कहाँ गई? शायद मैम के साथ गई होगी। अच्छा अर्सला, वो मैं तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओए, थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगाया और हाँ भी कर दी उस उल्लू को। यार सारा, अगर मैं आज हाँ ना करती तो शायद कभी ना कर पाती। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे बाय द वे आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मगर विक्की बहुत अच्छा लड़का है सारा। वो तुम एक बार उससे बगैर नाक मुंह चुड़ाए बात करके तो देखो कि तुम हर वक्त विक्की की हिमायत ही नहीं बनती रहती। शट अप यार। वैसे अंदर से मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। थैंक्स यार। लो थक गई। अरे सोनिया आ गई तुम? अरे वो बाजी और मैं उनके ऑफिस में गए थे, वहां पे चोरी हुई है। क्या ऑफिस में? अरे वो उनके गोदाम के अंदर चोरी हुई है, बहुत नुकसान हुआ है उनका। अच्छा मैम कहाँ है? अरे वो बाहर है अभी एक और मुसीबत के साथ। या अल्लाह या अल्लाह, कहीं वो मेरा किराया तो नहीं बढ़ा देंगी? चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। मैम पता चला कि चोरी किसने की है? नहीं सीसीटीवी में आ गया है, मेरा अकाउंटेंट था। फिर पकड़ा उसे? अभी तो फरार है लेकिन पकड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा। और कमाल भाई उनका कोई फोन आया है? की तो परेशानी है, फोन भी बंद जा रहा है उसका। परेशान नहीं हो बाजी, कमाल भाई गुस्से में होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने अपने नुकसान की फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल दी। डोंट वरी मैम, वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लें। क्या करूंगी मैं, बिल्कुल अकेली हूँ मैं, कमाल के अलावा कौन है मेरा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं बाजी, परेशान नहीं हो, हम लोग सब हैं आपके साथ और कमाल भाई भी आ जाएंगे। क्या मूवी थी यार। हाँ यार, हमारे पाकिस्तान में भी ना कमाल मूवीज बनने लग गई हैं। अरे आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अबे अभी कितनी प्यारी लग रही है। चुप कर। I'm sorry, ma'am. लेकिन मैम कमाल भाई गए कैसे हैं? उनकी बाइक तो बाहर खड़ी हुई है। गाड़ी में। गाड़ी में? ये कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता, कमाल भाई गाड़ी चलाते तो है मैम की। मगर गाड़ी तो बाहर पोर्च में खड़ी है। क्या? क्या? कमाल भाई की गाड़ी यहाँ है,
तो वो खुद कहाँ हैं? उनका तो फोन भी बंद आ रहा है यार। चुपचाप गाड़ी छोड़कर चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा। मेरा तो सब कुछ चला गया। अबे जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर। जल्दी करो। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था और हार्ट पे भी बहुत असर हुआ है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। तो फिर हमें मैम को लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए ना? कहा था हमने डॉक्टर से, मगर उन्होंने कहा कि अभी जरूरत नहीं है। इंजेक्शन देके सुला दिया है ताकि वो रिलैक्स करें, और बाकी की दवाएं सुबह देनी है। लाओ प्रिस्क्रिप्शन, हम अभी जाकर मेडिसिन ले आते हैं। अभी कैसे जाओगे? मैम की गाड़ी ले जाते हैं ना? नहीं भाई नहीं, इस गाड़ी की वजह से ये हाल हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, कमाल भाई की बाइक पर चलते हैं। नहीं भाई, बाइक पर मुझे बहुत डर लगता है। तू ऐसा कर, अरसला को साथ ले जा। तू बाइक से डरता है? कब से? हमेशा से। हाँ वैसे अरसला जा सकती है विकी के साथ। क्यों विकी? वहाँ आज रेगिस्तान में बारिश कैसे होगी? अरसला नाम का एक बादल है, वो बरस पड़ा बस। चले चलो। अच्छा मैम के पास सोनिया है? हाँ सोनिया है, वही सोएगी मैम के पास। अच्छा शेजी, कहाँ चलना है? क्या हो गया है? तुम सवारी हो ना? सवारी? तुम पागल तो नहीं हो? सॉरी, मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम मुझे सवारी कह रहे हो? वो मैंने ख्वाब में ये देखा कि मैं रक्षा चला रहा हूँ और तुम आकर कहती हो सदर चलोगे भैया। व्हाट? भैया? जी आपने ऐसा ही बोला था। बोंगे हो ना, बोंगे ख्वाबी देखोगे। ये बताओ कि यहाँ क्यों सो रहे थे? अरे ये है ना नए नए लव बर्ड्स, रात भर फोन पे बात करते हैं, मुझे सोने ही नहीं देते। कौन, विकी और अरसला? हाँ ना, सोने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा ये बताओ कमाल भाई का कुछ पता चला है? नहीं ना, मैं तो सो रहा था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस अपने शहर चला जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों? दिल उठ गया मेरे शहर से। इस शहर से या फिर इस शहर के लोगों से? कुछ भी समझता हूँ। तुझे क्या लगा था तू अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर बहुत महान बन जाएगा? मैं समझा नहीं। मुझे कमाल भाई ने ना सब बता दिया था। क्या बता दिया था? यही कि तू अपनी मोहब्बत अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर रहा है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ड्रामा किया जाए। ड्रामा? इसका मतलब तुम और वकास एक दूसरे को? ऑफ कोर्स नॉट, मैं कभी भी अपने दोस्त की मोहब्बत का हिस्सेदार नहीं बन सकता। और वो जो शेजी की मंगेतर आई थी? अरे वो तो बस एक गेस्ट अपीयरेंस थी ताकि अरसला को शेजी से नफरत हो सके। मगर सच कहूं तो नहीं हुई नफरत। अच्छा तो फिर हमारे बेचारे इस विकी का क्या होगा? मेरे लिए तुम हो ना। व्हाट? क्यों, क्या बुराई है मुझमें? एक खराबी हो तो बताओ ना, सर से लेकर पांव तक खराबियां ही खराबियां हैं। क्यों, नाक बहती है मेरी, गुटखा खाता हूँ मैं, रात को घर में शराब पीकर क्या शोर मचाता हूँ? ऐसा किया ना तो दोबारा घर में नहीं आने दूंगी, और मुझे ज्यादा बोलने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। तुम कहोगी तो मुंह पर मैं जिप लगा दूंगा। लो भाई इनकी स्टोरी तो शुरू हो जाएगी, इनके चक्कर में हम अपनी स्टोरी क्यों खराब करें? फूल का है ये रहा। Will you marry me?
सफेद फूल। हाँ तो ये अमन की निशानी है ना, हम लोग तो सुलह कर रहे हैं। अरे हसीना तुम सब चलता रहता गंदा ये धंधा, वो तेरी बाली वो मेरी बाली, कैसा ये लफड़ा कोई ना समझा।